रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए पूजिए शास्त्री जी महाराज की, पूजिए शास्त्री जी महाराज की, पूजिए शास्त्री जी महाराज की। परम श्रद्धे मानियो श्रीमान कुलदीप शास्त्री जी महाराज, थोड़े चरणों में बारंबार नमन करना, नमस्कार करना। मैं बारू जा रहा तो मने चाहिया कि भगवान जी के दर्शन करने चाहिए, इस इलाके चाहिए। तो प्रभु जी के दर्शन किए तो वाच में ही मैं शास्त्री जी बैठे थे, नमस्ते करी आने हैं। और जिसले आए तो शास्त्री ने कम लाना हलाना, और आदन साधु सन्यासी शास्त्री जी ब्यास गद्दी जिसले बैठा, कोई संत महापुरुष होए ओदा जिहड़ा आदेश होंदा है, ओदी जिहड़ी इच्छा होंदी है, भगवान का आदेश होंदा है। ते गल नहीं मोड़नी। उन्हें आख्या कि एक भजन सुनाओ, ते शास्त्री जी की गै देन है, चाहे पूजिए सुभाष शास्त्री जी महाराज हो, गंगू शास्त्री जी महाराज हो, कुलदीप शास्त्री जी महाराज हो, ये साढ़े जम्मू की धरती, साधु संतें फकीरें शास्त्रियों की धरती है। और सारी खुशनसीबी है कि इतने धर्म का बड़ा मता प्रचार होता है। असें की भी आदेश हुआ कि एक भजन सुनाना, पहला दो मिनट राम नाम की एक जप करने, कीर्तन करने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण।
पूजनीय सुभाष शास्त्री जी महाराज जी भी कथे च कई बार भजन सुनांदे, उसे भजन की एक बार मिलिए रिपीट करने आ। गांदे के जड़ा इंसान का जीवन है जैसे एक पानी ऊपर एक बुलबुला होता, कोले फटी है पता नहीं, इस चाली इंसान की जिंदगी है। एक बार गुरु नानक देव जी जाते एक ग्रां चा, उनके कन्ने दो तीन शिष्य है, तो नानक जी ने एक बाला मर्दाना है एक की पूछा, बालिया सुना इंसान की जिंदगी किन्नी है? ते बाले ने आख्या, राती सुते सवेरे जागना नहीं जागना कोई पता। ते बाबा नानक ने आख्या, अच्छा इन्नी लंबी जिंदगी है इंसान? उन्हें आख्या, मर्दानिया तू सुना। मर्दाने आख्या, एक टाइम दी रोटी खाती, दूई टाइम दी थोनी नहीं थोनी, इंसान रोना नहीं रोना क्या पता? बाबा नानक ने आख्या, नहीं बालिया मर्दानिया, इंसान की जिंदगी का इन्ना लंबा भरोसा नहीं। उन्हें आख्या, महाराज सुनाओ इंसान की जिंदगी किन्नी है? तो बाबा नानक आखदे, एक साह अंदर गया बाहर आना के नहीं आना, ये उस मालक की। और इंसान की इस जिंदगी का पल पल भगवान का ध्यान करना चाहिए। काम करते, रोटी पकाते, सफाई करते, नौकरी करते, बाजार जाते, हर वक्त ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। कोला सांस चली गई, ये पंछी ये आत्मा शरीर छड़िए चली आ कोई पता? तो इसे ऊपर एक भजन है सुनाइए। ओ अपने आदेश जरा मी थोया उसका पालन करना। भजन है, आयु तेरी बीत चली है कुछ तो होश संभाल, जन्म ये मिले न बारंबार। ये जन्म बार बार नहीं, थोड़ा फिर 84 का लंबा चक्कर पे यहां। तो भजन कीर्तन करिए, फिर एक समय आंदा आत्मा की मोक्ष प्राप्त हो जाता। साढ़े धर्म शास्त्र ऋषि मुनि गलांदे ने, जिला आत्मा मोक्ष प्राप्त हो या फिर जन्म मरण के चक्कर च ये आत्मा नहीं आना, मोक्ष प्राप्त है। तो ओदे वास्ते साधना तपस्या कथा कीर्तन जप तप हवन दान यात्राएं इंसान। तो ओ भजन मिलिए गाने, आयु तेरी बीत चली है कुछ तो होश संभाल, जन्म ये मिले न बारंबार, जन्म ये मिले न बारंबार। आयु तेरी बीत चली है कुछ तो होश संभाल, जन्म ये मिले न बारंबार, जन्म ये मिले न बारंबार। आयु तेरी बीत चली है कुछ तो होश संभाल, तो
मर्यादा रखते हुए भी देखो कितनी नॉलेज है।